हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं कवर कर रहा हूँ सेम एज दिस वीडियो बिफोर, कुछ जो सजेशन मैंने वीडियोस के लिए मांगे थे स्टूडेंट्स से, हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के, उनके जो क्वेश्चन है उनके ऊपर, ठीक है ना। तो आज का जो क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ वो i_tilonjasi का है। उनका क्वेश्चन है सर, फीस पे करिए सेप्टेम्बर इनटेक दी या नहीं, या मेरी आयल्स एक्सपायर हो रही है 29 सितंबर में, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मैं बोलूँगा वो मेरा अपना ओपिनियन है, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बट सो फार जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है और थोड़ी बहुत मेरी कॉमन सेंस है, मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। मे बी ये गलत भी हो, मे बी ये सही भी हो, ठीक है ना, बट ये मेरा अपना ओपिनियन है। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे सेप्टेम्बर इनटेक को लेकर पूछ रहे हैं कि फीस पे करें या ना करें, ऐसे ही सेम क्वेश्चन और भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि करें या ना करें। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक चीज़ कहनी चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपनी प्रोफाइल देखें, एंड आप अपने घर का बजट देखें, अपने घर की सिचुएशन देखें। इस लॉकडाउन का इफ़ेक्ट हम सब पर फाइनेंशियली भी हुआ है, ठीक है ना। कुछ फैमिलीज ओके हैं, कुछ का डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट वी आर होपिंग कि आने वाले दिनों में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट ये दोनों चीज़ें कंसिडर करनी सबसे ज़रूरी है। फाइल का मतलब है मेरे कहने से कि आपका गैप ज़्यादा तो नहीं था ना, अगर ठीक है रीसेंट पास आउट हो फिर तो ओके, ठीक है ना। फिर अगर आप चाहे ओके से मतलब अगर आप वेट भी करना चाहते हो ना, आप कर सकते हो। एंड अगर आप सितंबर इनटेक भी करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का भी आजकल ऑप्शन चल रहा है ना। एंड अगर एक चीज़ और मैं कहनी चाहता था कि बिफोर इवन टेकिंग दैट डिसीजन, इसके अलावा और चीज़ जो आपको सोचनी चाहिए कि मान लीजिए अगर कि आपका पक्का मन है ना कनाडा जाने का कि नहीं जाने का, क्योंकि देखिए अगर आप ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो कि मैंने इंडिया में भी पढ़ना है या फिर इंडिया में पढ़ भी सकता हूँ, ठीक है ना, अगर आप कंसिडर कर सकते हो तो वो ज़्यादा सेफ ऑप्शन रहेगा अभी के लिए, अभी के लिए जो सिचुएशन अनश्योर है, ठीक है ना, कि अगर आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो एंड आपके फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत बर्डन कम हो जाएगा आपके घर वालों का, ठीक है, अगर उनके घर में अभी सिचुएशन ख़राब चल रही है तो। एंड अगर जिन बच्चों का मन फाइनली है कि मुझे कनाडा जाना ही जाना, तो बेसिकली उन लोगों के लिए भी ये चीज़ कि हाँ आपको जाना ही जाना है कनाडा, तो आप ये एक चीज़ ये चेक कर लीजिए कि जो आप जैसे सितंबर इनटेक की बात करें तो सितंबर इनटेक में जिस भी कोर्स में आप जा रहे हो क्या वो जैन में अवेलेबल है कि नहीं, आपकी थोड़ी सेफ साइड हो जाएगी मेंटली। एंड इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस का भी ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल अगर आपका वीज़ा आ भी जाता है और सिचुएशन ख़राब भी हो जाती है तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी लगा सकते हो, सो इट्स अ सेफ साइड। बट ऑनलाइन क्लासेस में एक चीज़ देख लेना कि आप समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो। जो भी बच्चे करंटली मेन टेक की ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं उनसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आप शेयर करके देखिए। हमारा पर्सनली अब तक थोड़ा सही नहीं रहा, क्योंकि हमारे जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी उनको एक्सेंट वगैरह समझ नहीं आ रहा था, बट एवरीवन का नहीं, हर एक इंसान का एक्सपीरियंस में डिफरेंट रहता है, कुछ को समझ आ जाता है कुछ को नहीं आता, और एक बार वो चेक कर दीजिए, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर और अपने घर की सिचुएशन। और अगर आपका मन है तो जी हाँ आप कर सकते हो, बट आपको फाइनल है, आपको पक्का जाना ही कनाडा है, वो चीज़ वो माइंडसेट आपको होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है, हर इंसान के घर की सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो आपको इन सारी चीज़ें ध्यान में रख के करनी चाहिए, ना कि वो बंदा जा रहा है उसने फाइल लगा दी इसने लगा दी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब कर दिया, वो नहीं। आपको अपनी घर की सिचुएशन, आपका मन पक्का है कि नहीं, आपके घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इनकेस मान लो अगर ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं या फिर आपको डेफर भी करना पड़ता है तो क्या आपके घर वालों पर ज़्यादा बर्डन तो नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फीस वगैरह पे करते हैं लोन लेकर और उनका रेट इंटरेस्ट तो जाता ही जाता है लोन है ना, साथ ही वो तो आपका चलता ही रहेगा, लोग अपना इंटरेस्ट पे करते ही रहेंगे, तो अगर आपकी वो वाली सिचुएशन है तो यार ये सही डिसीजन नहीं रहेगा अभी के लिए, क्योंकि यू नो सिचुएशन जितनी अनश्योर सी चल रही है कि हाँ, क्योंकि इसके ऊपर कोई राइट आंसर दे भी नहीं सकता कि हाँ होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि किसी के हाथ में है ना, मेरे हाथ में ना, कनाडा के गवर्नमेंट के हाथ में ना, हमारी गवर्नमेंट के हाथ पर है, तो ये चीज़ें अनश्योर हैं, कोई फिक्स आंसर नहीं है। बट ये कुछ ऑप्शंस कह लीजिए जो उन चीज़ें हम सोच के चल सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, तो अगर जाना है तो हाँ ऑनलाइन क्लासेस का भी ऑप्शन है, डेफर भी हो सकता है, बट उसके साथ साथ आपकी अफोर्डेबिलिटी भी मैटर करती है, आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसके अलावा ये भी ऑप्शन हो सकता है कि अगर आपका 50-50 था है कि हाँ मैं इंडिया में भी पढ़ सकता हूँ तो यार इंडिया में पढ़ लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा राइट, आपके घर के पास हो, थोड़े सेफ भी रहोगे, इनकेस आपका हेल्थ इशू हो गया कोई ना कोई तो आपके घर वाले आपके पास हैं, वहाँ पर ध्यान भी रख सकते हैं, वहाँ पर आप तो टोटली अकेले हो जाओगे, तो वो चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर टेकिंग अ डिसीजन राइट। एंड आप बाकी हर इंसान का डिफरेंट है, आपको अपने देखें, बस एक दूसरे से कंपेयर ना करें। मेन मैं ये कहना चाहता था कि कंपैरिजन ना शुरू करें, क्योंकि
जैसे कुछ बच्चे इन टच होंगे हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू, मैंने आज भी अपडेट दी थी कि कुछ लोगों ने अपनी जो फाइल्स हैं जिनका बायोमेट्रिक ऑलरेडी डन था, ऑनलाइन एप्लीकेशन लगानी शुरू भी कर दी, आई थिंक लास्ट वीक से लगा रहे हैं वो, तो मैंने नहीं लगानी शुरू की, मैं भी देख रहा हूँ कि यार कैसे आएगा, कैसा डिसीजन रहता है, आएंगे नहीं आएंगे, लेट हो जाएंगे, उस अकॉर्डिंग सोच के लगाऊंगा। बट इस चीज़ को लेकर कुछ लोग ज़्यादा रेस्टलेस भी होंगे, अच्छा यार उसने फाइल लगा दी, मैंने तो लगाई नहीं, मैं तो पीछे रह गया, वो वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए यार। हर इंसान का डिफरेंट रहता है, हर इंसान का घर की सिचुएशन डिफरेंट है, हर इंसान के प्रोफाइल डिफरेंट है। मान लो किसी बच्चे का अगर मन पक्का है ये कनाडा जाने का और उसका गैप पहले बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो वेट करेगा गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी वाले प्रोफाइल नेगेटिव ही होगी। और कौन इंसान होल्ड कर सकता है, वही कर सकता है ना जिसकी पहले ही गैप ज़्यादा नहीं था, वही कर पाएगा, जिसका गैप पहले ही ज़्यादा होगा वो कैसे होल्ड कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें आप सोचें, कंसिडर करें और फिर डिसीजन लें, और डिसीजन आपका होना चाहिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद अपना घर, अपनी प्रोफाइल, आपकी अफोर्डेबिलिटी, आपका मन है भी कि नहीं है भी, ये सब चीज़ें सोच के डिसीजन लेना है, ठीक है ना। और रही बात आइल्स की, कि वैसे तो अगर आप पहले फाइल लगाते तो आई डोंट थिंक आपको ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर इसके अलावा मैं ये कहना चाहता कि वैसे मेरे आइल्स सेंटर वगैरह कुछ नहीं है तो मुझे सही नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि कुछ मेरे नोन में कुछ लोगों का आइल्स का एग्ज़ाम था, वो रिशेड्यूल हो गया है लॉकडाउन की वजह से जून में, एंड वी आर होपिंग कि जून में शायद एग्ज़ाम होगा। तो एक बार आप अपने आइल्स इंस्टीट्यूट सेंटर जहाँ से भी आप कर रहे थे उनसे एक बार कंफर्म करें, मे बी इस चीज़ के ऊपर उनको ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, बट एनीवेज अगर जून में आइल्स होना ही है तो यार जून में दे देना, ठीक है ना। और उसके अलावा डायलिंगो एंड और सारे भी ऑप्शन हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं, बस उसमें आपकी फाइल नॉलेजेस मिलेगी, ठीक है ना। एंड आई होप आप सबको मेरा रिप्लाई ठीक लगाओ, बट बाकी इस चीज़ के ऊपर मेरा वर्डिक्ट सिर्फ यही है। एंड अगर ये आपको रिप्लाई ठीक लगा है, आपके कुछ हेल्पफुल लगा है, आपकी कुछ हेल्प की हो, तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर सही लगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ यहाँ से फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर मैं रोज़ सुबह 9:30 के अराउंड लाइव होता हूँ आधे घंटे के लिए, तो जो अगर आपने किसी क्वेश्चन पूछना हो कुछ भी आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वैसे कॉल करना हो या कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक, टाइम नंबर सॉरी और टाइमिंग कॉलिंग की सब कुछ मेंशन है। एंड आई होप वीडियो आपको ठीक लगी, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।